परेश बघेल ने एआईसीसी की बैठक के बाद बड़ी जिम्मेदारी या महासचिव बनने की अटकलों पर बयान दिया है। पार्टी लगातार अलग अलग समय में जिम्मेदारियां देती रही हैं, अब क्या जिम्मेदारी मिलेगी वो हाईकमान तय करेगा। ऐसा उनका कहना है कि अब जो भी जिम्मेदारी मिलेगी वो हाईकमान तय करेगा और हालांकि जिम्मेदारी लेने के लिए वो तैयार है। चर्चा बहुत गोपनीय थी, आने वाले दिनों में क्या बताया, तो उसके बाद वो रिपोर्ट हाईकमान को सौंपा जाएगा। जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी है वो सब लोगों से बात की, यहाँ भी आई थी टीम और यहाँ सबसे चर्चा किए, कुछ बच गए थे उनसे और बुला के चर्चा कर ले। अब फैक्ट फाइंडिंग टीम है, अपनी रिपोर्ट हाईकमान को सौंपेगी, उसके बाद क्या निर्णय लेते हैं वो हाईकमान पर। तो वही छत्तीसगढ़ कांग्रेस में बदलाव की अटकलों के बीच दिल्ली से रायपुर लौटे कांग्रेस नेता टीएस सिंहदेव ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मैं प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी निभाने के लिए तैयार हूं। उन्होंने कहा कि हार से सबक तो लेना चाहिए, अब किसी भी तरह की जिम्मेदारी के लिए तैयार हूं। हार से जुट होकर मिली, इससे सबक तो लेना चाहिए। लंबे समय से जो कैप्टन है उनका बदलाव स्वाभाविक। अगर आपको दी जाती है तो आप क्या तैयार हैं, मतलब इस तरह की जिम्मेदारी पूछा जाता है अगर? या अब तो हूँ, परिवार में जो गमी हुई तो 6-7 महीने में सक्रिय रूप से भाग नहीं ले पा रहा था और उसी बाबत जब सारे क्रियाकर्मों से मुक्त हुआ तो मैंने दिल्ली में समय लीडर्स के साथ लेके, सीनियर लीडर्स लीडरशिप के साथ लेके मैंने यही बात रखी, प्रणाम करने भी गया और ये कहने भी गया कि अब मैं उपलब्ध हूँ संगठन के काम के लिए और जो जो काम मुझे लगता है कि मैं जहाँ योगदान दे सकता हूँ उस बाबत मैंने अपनी ओर से कहा भी कि ये बदलाव हो सकता है। बदलाव अभी तो मुझे नहीं लग रहा है। हाँ। छत्तीसगढ़ में फैक्ट फाइंडिंग कमेटी है, मुझे नहीं व्यक्तिगत तौर पे लग रहा। हाँ। लेकिन जब भी बदलाव होते हैं और आपको पूछा जाता है तो आपको लगता है कि आप तैयार हैं? तैयार हमेशा, मैं हमेशा तैयार रहा हूँ। तो रायपुर नगर निगम के पार्षद एजुकेशन टूर से वापस लौट आए हैं और टूर पर कांग्रेस और बीजेपी के 65 पार्षद गए थे। महापौर एजाज डेबर ने कहा कि बहुत कुछ सीखने को मिला, जल्दी इसे रायपुर में अमल किया जाएगा। वहीं मौज मस्ती के वीडियो वायरल होने पर कहा कि पार्षद का दिल नहीं है क्या, जब छुट्टी रहेगी तो कुछ ना कुछ तो करेंगे, ये मुद्दा बनने लायक नहीं है। वाला जो वीडियो वायरल हुआ है, जब इतने सारे लोग जाएंगे तो ये कौन बोल दिया कि जब सेशन के बाद आपको मौज मस्ती नहीं करना है? क्या पार्षद लोग में क्या सीने में दिल नहीं है क्या? क्या पार्षद सुबह उठ के सिर्फ नाली साफ करते रहेगा? पार्षद क्या सुबह उठ के क्या खाली झाड़ू खाली अपना? और कम उम्र के पार्षद हैं, यंग पार्षद हैं, स्वाभाविक है जब सेशन के बाद जब हमारा सेशन हो जाता था और स्वाभाविक है जिस दिन छुट्टी रहेगी उस दिन आदमी यार कुछ ना तो कुछ करेगा। अब आदमी को आप लोग ये बोल दोगे कि तुम कुछ ही नहीं करना, जाके सिर्फ पढ़ाई करने गए हो, पढ़ाई करके चुपचाप वापस आना। इंदौर में पौधारोपण अभियान पर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के सवाल पर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि जीतू पटवारी को गिनती नहीं आती, उन्होंने नकल करके पढ़ाई की है। सर जीतू पटवारी ने कहा था कि जो पौधारोपण हुआ है उसके अंदर कहीं घोटालेबाजी हो जाती है, उसको तो गिनती आती नहीं है, तो नकल करके पढ़ा है, अपने किसी अच्छे काउंटर को भेज दे और गिनती कर ले। संघ की किताब पढ़ने के बाद छात्र धार्मिक स्थलों का भी भ्रमण करेंगे। उच्च शिक्षा विभाग ने उज्जैन संभाग के महाविद्यालय के प्राचार्य को इस तरह के निर्देश दिए हैं। निर्देश आगर मालवा, शाजापुर, देवास, मंदसौर, नीमच, रतलाम और उज्जैन जिले के महाविद्यालयों को दिए गए हैं। उच्च शिक्षा विभाग ने कहा है कि इससे छात्र छात्राओं में विरासत और सांस्कृतिक चेतना विकसित होगी। और अब खबर खंडवा से है, जहां जन सुनवाई के दौरान अजब गजब नजारा देखने को मिला है। एक किसान एसडीएम ऑफिस से जमीन पर कीचड़ में लोटता हुआ कलेक्टर ऑफिस तक जन सुनवाई में पहुंचा है। किसान की मांग थी कि उसकी जमीन पर दबंगों ने कब्जा कर लिया है। उसने कई जगह पर इसकी शिकायत की है, गुहार लगाई है, लेकिन उसकी सुनवाई तक नहीं हुई है।
है। किसान ने बताया कि उसने एसडीएम के सामने भी गुहार लगाई लेकिन उसकी समस्या का हल नहीं हुआ। सरकारी कर दी गई उसको और मैं अरे एसडीएम पास मेरी रिपोर्ट लगी है, 4 महीने से एक रिपोर्ट खारिज कर दी गई और दूसरी रिपोर्ट बना के दे नहीं रहा, बोले कि तेरे से बने वो कर ले। एक किसान आए थे, उनका ये कहना था उनकी जमीन के रकबे का सीमांकन नहीं हो रहा है। दरअसल उनके द्वारा बताया गया कि उनकी जमीन पर किसी ने अतिक्रमण कर लिया, इसलिए वो सीमांकन कराना चाहते हैं। तो मैंने एसडीएम को अवगत बता दिया और अगले 7 से 10 दिन में उसका सीमांकन हो। रायपुर से बड़ी खबर आ रही है जहां गौरेला और पेंड्रा नगर पंचायतें नगर पालिका बन गई हैं। राज्य सरकार ने इसके लिए आदेश जारी किया है। बड़ी खबर आ रही है, गौरेला और पेंड्रा अब नगर पंचायतें बन गई हैं। ये दोनों नगर पंचायतें नगर पालिका बन चुकी हैं। राज्य सरकार ने इसके लिए बकायदा आदेश भी जारी कर दिया है। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां हाईकोर्ट सड़कों पर जल भराव को लेकर सख्त हो गया है। कोर्ट ने निगम कमिश्नर से जवाब मांगते हुए शपथ पत्र देने को कहा है, साथ ही जल भराव की कार्य योजना भी मांगी है। कोर्ट ने सख्ती से पूछा कि हल्की बारिश में भी सड़कों पर पानी क्यों भर जाता है, साथ ही कोर्ट ने निगम की इंजीनियरिंग पर भी सवाल उठाए। हर घर तिरंगा अभियान के तहत बैतूल में 78 बैलगाड़ियों पर तिरंगा रैली निकाली गई। आजादी की 78वीं वर्षगांठ पर आठनेर में यह अनूठा आयोजन किया गया और 78 बैलगाड़ियों पर तिरंगा लेकर स्कूली बच्चे और नगरवासी निकले। रैली में केंद्रीय जनजातीय राज्य मंत्री दुर्गादास सुके भी शामिल। हरदा में हर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगा थाली प्रतियोगिता आयोजित की गई है, जिसमें कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। महिलाओं ने व्यंजन के जरिए लोगों को तिरंगा लगाने के लिए प्रेरित किया है। तिरंगा थाली के तहत महिलाओं ने तिरंगे के 3 रंगों के कई प्रकार के व्यंजन बनाए हैं। इन व्यंजनों को तिरंगा नाम दिया गया है। व्यंजनों को तिरंगा अनाज, तिरंगा भात, तिरंगा इडली जैसे नाम दिए गए हैं। देखिए खूबसूरत चीज है ये, और जो व्यंजन है वो 3 रंग के हैं, चाहे वो कोई भी व्यंजन हो लेकिन थाली में आपको 3 रंग नजर आएंगे, इसलिए यहाँ पर हर व्यंजन का ही नाम तिरंगा है, चाहे वो मिठाई हो, नमकीन हो, चिप्स हो या फिर कोई खाना हो। मुरमुरे और गुड़ की तिरंगी चिक्की देखिए, और पूरी देखिए, पूड़ियाँ भी 3 रंग की, दाल भी 3 रंग के, कुछ इस तरीके से जो तिरंगा अभियान है वो बनाया जा रहा है। व्यंजनों को भी तिरंगा नाम दिया गया है। जो भी व्यंजन आप देखेंगे हर व्यंजन का नाम तिरंगा ही रखा गया है। यहाँ इडली भी है, यहाँ मिठाई भी है और यहाँ पर नमकीन भी है। और अब आपको दिखाते हैं एमपी में तिरंगा यात्रा के खूबसूरत रंग। देशभक्ति का जज्बा देखिए, क्रूज से लेकर नदी में शान से लहरा रहा है तिरंगा। बच्चों ने भी अलग अंदाज में दिया है देशभक्ति का संदेश। देखिए खास रिपोर्ट। ये तस्वीरें जो कह रही हैं मेरी जान तिरंगा, मेरी शान तिरंगा, अभिमान तिरंगा। फिजा में देशभक्ति के तराने गूंज रहे हैं, दिल में जज्बा देशभक्ति का।
तालों की नगरी भोपाल तिरंगे के रंग में रंगी नजर आ रही है। वोट क्लब में लहरों के बीच बड़ी शान से फहराया गया तिरंगा। वोट क्लब पर तिरंगा यात्रा निकाली गई। क्रूज को ऐसी खूबसूरती से सजाया गया। तिरंगा यात्रा में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने तिरंगा लहराकर लोगों का उत्साहवर्धन किया। इस अनोखी तिरंगा यात्रा को देखने के लिए लोगों की भीड़ सुबह से जुटी थी। बड़े तालाब के बीचों बीच सबसे ऊंचा तिरंगा लगाया जाएगा। गुब्बारों और तिरंगे से पूरे वोट क्लब को सजाया गया था। इधर तालों की नगरी भोपाल में बड़ी शान से तिरंगा लहरा रहा है, तो खंडवा में इन लोगों का जज्बा भी कमाल। यहां नदी में तिरंगा फहराकर आजादी का जश्न मनाया जा रहा है, जो 15 अगस्त तक जारी रहेगा। लहरों के राजा इस ग्रुप ने ऐसे जाहिर की अपनी देशभक्ति। भारत माता के जयकारे से फिजा गूंज रही थी। आबना नदी के गणगौर घाट पर ही आयोजन किया गया। यह हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत हम लहरों के राजा परिवार जो नियमित 12 महीने स्विमिंग के लिए यहाँ पर आते हैं, इनके मन में यह भाव आया था कि कहीं ना कहीं हम भी कुछ नया करें। उससे विगत 3 वर्षों से हम इस नदी में पानी पर तैरते हुए तिरंगा यात्रा का आयोजन करते रहे हैं और लगातार तिरंगा यात्रा पानी पर निकालते आ रहे हैं। और आज भी हम सब लहरों के राजा तैराकी परिवार ने लहरों पर तिरंगा यात्रा का यह आयोजन किया। बड़े हो या बुजुर्ग, हर किसी का दिल देशभक्ति में डूबा हुआ है, तो भला देश का भविष्य कैसे पीछे रहता। बैतूल में आजादी के 78वीं वर्षगांठ पर तिरंगा अभियान और बच्चों ने ऐसे झंडे को प्रणाम किया। 78 बच्चों ने स्केटिंग के जरिए तिरंगा यात्रा निकाली। उत्साह और जोश से लबरेज है ये बच्चे। तिरंगा हाथ में लेकर स्केटिंग से पूरे शहर में संदेश दे रहे हैं, मेरा देश, मेरा मुल्क, मेरा ये वतन। भोपाल में शैलेंद्र भदौरिया, खंडवा में अमित जायसवाल और बैतूल में ऋषु नायडू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।